हम किसी भी हिंसक प्रवृत्ति के कभी पक्ष में रहे नहीं है। कल आपने जो वीडियो देखा है उसमें तीन स्थान थे जहां से ट्रैक्टर रैली निकल रही थी, सिंघू बॉर्डर, दूसरा टिकरी बॉर्डर, तीसरा गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं हुई, शांति से सब निकला। गाजीपुर बॉर्डर पे इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने रूट दिया था उसको उन्होंने बदल दिया और जो रूट पर उन्होंने बैरियर लगा दिए। जब उसमें विवाद हुआ तो भाई आपने हमको कहा इस रूट पे, आप इसको खोलिए, उस पर पुलिस ने टियर गैस चलाए, लाठी चलाई, उससे विवाद बढ़ा और वही कारण बना। दूसरा, आपने देखा होगा वहां के 2 महीने से जो लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं वो हिंसक हो नहीं सकते। इसमें कौन लोग शामिल हो गए? 15 लोग किसानों ने पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिए हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सब के पास सरकारी मुलाजिम होने का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। अब आप समझ लीजिए सरकार किसकी है। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, उसको गलत रास्ते में दिखाने का। और आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है मीडिया से कि आप इनके बहकावे मत आइए। जिस तरह लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा, बिल्कुल आप देखिए, फिर वो गलत बात आप कर रहे हैं। खालसा पंथ का कोई झंडा नहीं था, पहले हमारा तिरंगा झंडा था, उसके नीचे उन्होंने 2 लगा दिए थे, एक किसान यूनियन का और एक खालसा का, लेकिन तिरंगा ऊपर था। आप लोग तिरंगा नहीं दिखाते, आपके लिए वो दिखाते जी, उचित था वो झंडे लगाना। देखिए हम कहते हैं आप जो यहाँ पे RSS तिरंगा झंडा 1947 से 1962 तक नहीं लगाया, वो उचित था क्या? कभी आपने पूछा उन लोगों से? क्यों नहीं पूछा आप लोग? पाकिस्तान का झंडा लगाया, उसको जेल में बंद करना चाहिए। भोपाल में कई नामों को बदलने की बात की गई है, शाहजहांबाद की बात की है। उमा भारती ने नहीं कहा है, प्रज्ञा ने कहा है। उमा भारती ने भी कहा है, उमा भारती भी सर ऐसा है। क्या नाम बदलने से क्या कोई सद्भावना बढ़ेगी? ये सब जो है लोगों का भटकाने वाली बात है। जिस देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, 9.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, वहां आप नाम बदलने से उनको रोजगार मिल जाएगा क्या? इस देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी क्या? भारत का भला हो जाएगा? जो बदलना बदलिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार आपकी है, जब तक EVM है आप बड़े अहम और अहंकार में हो। जिस दिन EVM हट जाएगी पता पहुंच जाएगा जमीन किसके पास है। सर, क्या कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका? कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस में है क्या? नहीं कांग्रेस, फिर क्यों पूछ रहे सर? सर हम लोग तय करेंगे सर, सर चुनाव में सर तैयारी है सर, किस तरह EVM तो चुनाव होंगे या वोटिंग? जो जो सरकार चाहेगी करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ाई होगी। सर उमा भारती एक बात और कह रही है कि जो BJP शासित प्रदेश है उनमें से जो है शराब बंदी हो जाना चाहिए पूरे प्रदेश में, आपको लगता है कि ये बहुत जमीनी स्तर पे हो पाएगा सर? बात ये है, उमा भारती कहती है पूर्ण प्रतिबंध हो जी, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं जितनी दुकानें उतनी रहने दो, और नरोत्तम मिश्रा कहते हैं दुकानें बढ़ा दो। अब उनको तीनों को तय करने दीजिए।